एक अप्रैल 2022 में एक फ़ोन के कुछ लीक्स निकल के सामने आए थे, जिसके बारे में मैंने आपसे बात करी थी और ये भी कहा था कि जैसे इसके कुछ अपडेट्स निकल के आएंगे, डेफिनेटली मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, मतलब उसके बारे में बात करूंगा। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है। रिपोर्ट ये निकल के सामने आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी A14 सीरीज का स्मार्टफोन बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है इस सीरीज में। लेकिन एक चीज़ और कंफर्म की जा रही है कि ये फ़ोन अकेला नहीं हो सकता, इसके साथ हमें कुछ और फोन्स देखने को मिल सकते हैं। आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा, मैं बात कर रहा हूँ गैलेक्सी A54 के बारे में, जो बेसिकली एक A53 का सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया जाएगा इस वाले फ़ोन को, मतलब A54 को। और खबर ये भी निकल के सामने आ रही है कि आने वाले कुछ हफ्तों में इस वाले स्मार्टफोन के लीक्स निकलनी शुरू की जाएगी। हालांकि इस वीडियो के शूट होने तक, अब तक जब तक मैं शूट कर रहा हूँ, मुझे ब्रांड की तरफ से कोई कन्फर्मेशन नहीं आई है कि हम कब, कहाँ, कैसे, क्या करेंगे। लेकिन एक लीक्स ज़रूर निकल के सामने आई है कि गैलेक्सी A54 नाम का स्मार्टफोन गैलेक्सी सैमसंग की A सीरीज में हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है दिसंबर 2022 में। एक नई रिपोर्ट के से सैमसंग के इस वाले फ़ोन के कुछ डिजाइन्स के बारे में निकल के सामने आई है। हालांकि ब्रांड की तरफ से अभी भी स्टिल कह रहा हूँ कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं इस वाले फ़ोन के लॉन्च के टाइमलाइन के बारे में कि आखिर कब, कहाँ, कैसे हो सकता है। इसी बीच 91 मोबाइल्स की तरफ से इस वाले फ़ोन के कुछ रेंडर शेयर किए गए हैं, कुछ इमेजेस शेयर किए गए, जिसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन वही लग रही है जो कि लास्ट टाइम 2000 अप्रैल 2022 में इस वाले फ़ोन के निकल के सामने आए थे। सेम टू सेम कुछ रेंडर्स हैं जो कि ये बताया जा रहा है कि ये वही रेंडर्स, मतलब ऐसे ही स्मार्टफोन हो सकता है, जैसे कि अगर आपको याद हो गैलेक्सी का S22 Ultra, मतलब सेम वही सिमेट्रिकल कैमरा लेआउट, और मतलब उसी हिसाब से पीछे का बैक लेआउट, समथिंग कुछ ऐसे सैमसंग की उस फ्लैगशिप फील देने की कोशिश की गई है। बात करेंगे इस वाले फ़ोन के बारे में कि क्या कुछ, कहाँ, कैसे हो सकता है। तब तक लेकिन रिक्वेस्ट एक ही है कि अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कर लेना। अभी जो लीक्स डिज़ाइन रेंडर्स निकले हैं उनको देख के तो पहली नज़र पे यही लग रहा है कि इनकी जो लैंग्वेज होगी या फिर इसका जो प्रोनाउंस देखा जा सकता है, वो हमें गैलेक्सी S23 सीरीज की तरह ही लग सकता है। मतलब आने वाले टाइम में सैमसंग केवल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से डिवाइड कर पाएगा कि आखिर ये कौन सा ए सीरीज है, कौन जी सीरीज है, कौन गैलेक्सी सीरीज है, कौन फ्लैगशिप सीरीज है। डिज़ाइन के हिसाब से सैमसंग मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में इक्वली ही पैरामीटर्स देगा फ़ोन्स को। मतलब डिज़ाइन से हम नहीं पता कर सकते कि आखिर ये कौन सा फ़ोन हो सकता है। अभी क्या है कि ए सीरीज जी सीरीज, मतलब गैलेक्सी की फ्लैगशिप सीरीज और सैमसंग की ए सीरीज, थोड़ा सा डिफरेंस वगैरह देखने को मिल सकता है। बात करेंगे क्या होगा, कहाँ, कैसे होगा इस वाले फ़ोन के बारे में और क्या लीक्स निकल के सामने आई है। डेफिनेटली आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन पूरी की तरह से आपसे इस वाले फ़ोन में क्लियर हो जाएंगे कि क्या नया हो सकता है। हालांकि एक चीज़ आपसे ज़रूर कह दूं कि ये ऑफिशियल रेंडर्स नहीं है, लेकिन लीक्स निकल के सामने आए जिसके हिसाब से ये तय किया जा रहा है कि हाँ, इस वाले फ़ोन में कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस हो सकते हैं। तो सैमसंग गैलेक्सी A54 5G बेसिकली सैमसंग गैलेक्सी A53 का एक सक्सेसर के रूप में हो सकता है। लीक हुए जो रेंडर्स है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो फिलहाल इसकी लॉन्च डेट, मतलब अभी निकल के नहीं आई है, मतलब अज्ञात बनी हुई है, कोई कंफर्म नहीं कि आखिर कब लॉन्च होगा। लेकिन अगर डिज़ाइंस को अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि 91 मोबाइल्स की तरफ से जो रिपोर्ट निकल के सामने आई है, इसमें से अगर डिज़ाइन को ध्यान से अगर देखो तो पीछे की तरफ आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली ये कोई कैमरा मॉड्यूल्स नहीं है, एक सिमेट्रिकल गोलाकार कट दिया गया ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप। अगर पिछले लीक से कंपेयर किया जाए तो बेसिकली ये गैलेक्सी S23 सीरीज से हूबहू कुछ मिलती जुलती रिलआउट है। और पीछे की तरफ का जो पूरा कैमरा लेआउट के साथ जो एलईडी फ्लैश लाइट का जो दिया हुआ है, वो सेम टू सेम ऐसे फील करा रहा है जैसे कि गैलेक्सी S23 Ultra रखा हो। मतलब कुछ ऐसा है इस कैमरा लेआउट यहाँ पर भी देने की कोशिश की गई। बाकी अगर डिज़ाइन के बारे में बात की जाए तो फ़ोन थोड़ा सा सपाट फ्रेम को भी सपोर्ट करता है। अगर रियर पैनल के फ्रेम को थोड़ा सा ध्यान से देखो तो एक कर्वी शेप की डिज़ाइन दे रही है। मतलब ये बताया जा रहा है कि इस कर्वी शेप को देने के पीछे सैमसंग का केवल एक ही मकसद था कि इससे आपको ना बेहतर ग्रिप देखने को मिल सके, यानी फ़ोन अगर आप हाथ में लो तो आपको अच्छी ग्रिप मिल सके। बाकी चीज़ों की बात की जाए तो सामने की तरफ आपको टॉप सेंटर में एक पंच होल कटआउट दिख रहा है, जो कि ये बताया जा रहा है कि इसमें सैमसंग का एक
मोस्ट पावरफुल कैमरा हो सकता है। हालांकि नॉर्मली ए सीरीज़ में सैमसंग 32 मेगापिक्सल का कैमरा प्रेफर करता है, लेकिन यहाँ पे भी वही कहा जा रहा है कि 32 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है। बाकी अगर चीज़ों के बारे में देखो तो डिस्प्ले के चारों तरफ थोड़ा सा बेजल्स जो दिख रहे हैं आपको, तो मतलब बेजल की तुलना में फ़ोन का चेन थोड़ा सा मोटा दिख रहा है। मतलब मैं उम्मीद कर रहा था कि सिमेट्रिकल बेजल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेन को मोटा कर दिया गया, बाकी बेजल्स को थोड़े पतले रखे गए हैं। तो मतलब इस बार जो गैलेक्सी ए सीरीज का जो डिज़ाइन होगा वो काफ़ी कंप्लीट चेंज हमें देखने को मिल सकता है। उम्मीद तो मैं यही कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम से सैमसंग वाले ई सीरीज की डिज़ाइन को घसीट रहे थे, फाइनली कुछ नया करने की कोशिश की जा रही। बाकी अगर चीज़ों की बात करा जाए डिज़ाइन के बारे में कि क्या कुछ नया है, तो अगर आप इमेज में देखो तो इस वाले फ़ोन में गैलेक्सी A54 5G में राइट हैंड साइड पे आपको पावर और वॉल्यूम के बटन दिखाई देगा। अगर USB टाइप सी पोर्ट और प्राइमरी स्पीकर ग्रिल को अगर नीचे की तरफ देखो तो हम एक चीज़ ज़रूर मिस कर रहे हैं, वो है हमारा 3.5 mm का जैक। मतलब ए सीरीज से कम्प्लीटली सैमसंग इस वाले चीज़ को रिमूव कर चुका है। मतलब वही इन्वायरमेंट बचाओ वाला या फिर अपने ये TWS प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, मतलब 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। हालांकि रिपोर्ट जो निकल के सामने आई 91 मोबाइल्स की, उसमें से इस वाले फ़ोन के कुछ स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बताया गया, जैसे कि 6.4 इंच के साथ एक 120Hz डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। हालांकि सैमसंग एमोलेड वाले पैनल के साथ ही आता है, तो यहाँ पे IPS का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि ए सीरीज़ की जितने भी फ़ोन आए हैं सब में एमोलेड वाला पैनल ही, तो यहाँ पे एक उच्च कोटि का एक एमोलेड वाला पैनल देखने को मिलेगा। फ़ोन की अगर डायमेंशन की बात करा जाए तो 8.2 mm के डायमेंशन को सपोर्ट कर रहा है। तो मतलब ये फ़ोन थोड़ा सा डाइटिंग में रहेगा, मतलब हल्का फील करने के लिए ये होगा। हो सकता है कि बैटरी की कैपेसिटी भी हमें थोड़ा सा कम देखने को मिले। बाकी स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो 5100 mAh की बैटरी हो सकती है, 50 MP का प्राइमरी सेंसर, बाकी एक 12 MP का अल्ट्रा वाइड, 5 MP का मैक्रो, 32 की सेल्फी वगैरह हो सकती, एंड्रॉयड 13 पे होगा और इसमें सैमसंग की वन यू आई 5 भी देखने को मिल सकती है। बाकी चीज़ों के बारे में पता नहीं चला कि आखिर क्या इसका प्रोसेसर हो सकता है, कौन सी फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, USB टाइप सी पोर्ट के साथ और क्या नए स्पेसिफिकेशंस होंगे, ये बाकी फ़िलहाल अभी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन डिज़ाइन और रेंडर्स के हिसाब से ये देख के लग रहा है कि सैमसंग की गैलेक्सी ए सीरीज कम्प्लीटली चेंज के रूप में हमें देखने को मिल सकती है। हालांकि कुछ दिन पहले सैमसंग की तरफ से A34 भी टिप किया गया था, मतलब A33, A53, A32, मतलब ए सीरीज के कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी टिप किए गए थे। तो मतलब अब आने वाले टाइम में जो ए सीरीज के स्मार्टफोन आएंगे, यानी A54 हो गया, इसके बाद आएगा A34 आएगा, A54, A34 और A24, बेसिकली जो भी नई डिज़ाइन ए सीरीज़ के साथ आएगी वो कम्प्लीटली हमें चेंज देखने को मिल सकती है। बाकी आप लोग के नीचे क्या विचार है इस कम्प्लीटली चेंज के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बातें ज़रूर बता देना। वैसे अगर आप OnePlus Nord C2 के बारे में जानना चाहते हो कि क्या कुछ कहाँ कैसे नया हो सकता है, तो वाला वीडियो आपको इधर मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो में आपको कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।